हिमाचल में तीन निर्दलीय विधायक इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी, जाना चाहिए खासकर जिस तरीके से जो तीन निर्दलीय विधायक है जिसमें केएल ठाकुर और साथ में जो देहरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक होशियार सिंह और जो आशीष शर्मा है, इनके ऊपर जो दल बदल कानून के तहत जो मामला दर्ज किया गया, आने वाले समय में सर इसके ऊपर क्या रहेगा? जिस तरीके से आप विधानसभा उपाध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं, विस्तार पूर्वक जाना चाहेंगे कि जो ये कानून के तहत है कब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते? दल बदल कानून में ये है कि अगर जो जिस पार्टी से चुन के आते हैं, जिसके सिंबल से जी, या जो निर्दलीय आता है वो जो है दूसरी पार्टी में जो है जा नहीं सकते। अगर पूरा का पूरा टू थर्ड, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के टू थर्ड मेंबर्स अगर बदलना चाहे तो वो अलग है, परंतु इंडिविजुअली कोई नहीं जा सकता। और दूसरा ये जो इंडिपेंडेंट है, जो निर्दलीय है, इनके लिए भी कानून बना है, जब तक वो क्या कहते हैं अपना पद छोड़ दे तब तक वो दूसरे दल में नहीं जा सकते। तो इसमें हिमाचल में ये हुआ कि ये जो तीन निर्दलीय है, एक तो ये जो है इन्होंने इनका जो रिजाइनेशन है वो एक्सेप्ट होने से पहले ये जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले उनका रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट होना चाहिए। रेजिग्नेशन ऐसा नहीं होता कि दे दिया चिट्ठी और आप आ गए, उसके लिए भी एक प्रक्रिया, एक नियम बना हुआ है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष जो है देखेंगे कि ये जो इनका इस्तीफा है वो स्वइच्छा से है, कहीं कोई किसी दबाव के कारण तो नहीं है, किसी प्रलोभन के कारण तो नहीं है। और इसमें हमने जो है कांग्रेस पार्टी ने एक याचिका हमने माननीय अध्यक्ष मोदी के समक्ष रखा कि ये जो तीन निर्दलीय है ये इनका जो इस्तीफा है ये स्वइच्छा से नहीं है जी, इसकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि एक महीने से जो है ये लोग बीजेपी के चुंगल में थे, सीआरपीएफ के जो है घेरे में थे, और ये जो है जैसे कोई अपराधी होते हैं एक जगह से दूसरे जगह बदलते रहते हैं, पहले वो शिमला से पंचकुला गए, कुछ अरसा पंचकुला एक होटल में बंद रहे, दूसरे छह कांग्रेस के निष्कासित विधायकों के साथ उनकी निगरानी में दो भाजपा के विधायक रहे, सीआरपीएफ रही, फिर वहां से इनको कहीं देहरादून या ऋषिकेश ले जाया गया स्पेशल चार्टर्ड जो है हेलीकॉप्टरों के द्वारा या प्लेन के द्वारा, कुछ अरसा वहां पर ये बंद रहे, फिर उसके बाद ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गए, कहीं नोएडा में कुछ दिन वहां रहे, और आखिर में ये जो तीन लोग हैं फिर ये शिमला आए, और जब शिमला आए तो उसमें भी बीजेपी के जो लोग हैं इनके साथ थे, जिस दिन इस्तीफा देने गए तब भी बीजेपी के लोग इनके साथ जैसे लग रहे थे कि इनको जो है घेरे में डाल के ले गए। तो इन सब सर्कमस्टेंसेस को देखकर हमने जो एक याचिका दायर की कि इसकी इंक्वायरी की जाए, कहीं ये तीनों बारी दबाव में तो नहीं है, कहीं कोई प्रलोभन में तो नहीं है, क्या ये स्वेच्छा से है कि नहीं है। तो इस विषय को लेकर जो है अध्यक्ष मोदी ने जो है इंक्वायरी शुरू की है, अभी इंक्वायरी पेंडिंग है। इस इंक्वायरी पेंडिंग के बीच में इन तीन निर्दलियों को बहुत जल्दी लगी थी कि इनका इस्तीफा जो है जल्दी से जो है अध्यक्ष मोदी स्वीकार करें, तो इन्होंने जो है उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में भी याचिका दायर की कि अध्यक्ष को जो है पार्टी बनाया कि जल्दी से इस्तीफा जो है मंजूर किया जाए, जबकि नियम के तहत इस्तीफा मंजूर करना नहीं मंजूर करना ये अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में आता है, इंक्वायरी करना भी अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में आता है। तो इंक्वायरी हो रही है, नियमन हो रही है, अध्यक्ष महोदय ने इनको मौका दिया है कि वे आप जो है ये जो इसके बारे में जवाब दो कि आपका जो किस तरह से इस्तीफा क्या स्वइच्छा से नहीं है, तो इंक्वायरी चली हुई है। परंतु इस बीच में हमने फिर एक याचिका और दायर की पिछली जो है 24 तारीख को अध्यक्ष मोदी के पास, क्योंकि अभी इनका इस्तीफा जो है मंजूर नहीं हुआ, इस्तीफा मंजूर होने से पहले इन तीनों ने जो है ये बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो बीजेपी दल ज्वाइन करना जो है दल बदल कानून के खिलाफ है। हमने इसमें भी याचिका दायर की है कि इनके इस्तीफे के बारे तो इंक्वायरी चल रही है, उसको तो बाद में सुना जाए, पहले ये दल बदल कानून के तहत इन्होंने जो दल बदला है उसका जो है इंक्वायरी की जाए। और इन्होंने ये भी माना है अध्यक्ष के सामने
कि इन्होंने दल बदल दिया है, तो अब ये दल बदल कानून से बाहर नहीं जा सकते जी। इनके ऊपर दल बदल कानून का जो प्रावधान है वो उसके तहत इनको निष्कासित किया जाएगा और अध्यक्ष मोदी ने 4 मई के लिए इनको जो है समन किया है कि जो याचिका हमने दायर की है उसका जवाब देने के लिए। अगर देखा जाए सर दल बदल कानून के तहत जो उसके बाद कितने समय तक जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, दल बदल कानून में केवल अनसीट होने का है जी, इलेक्शन में कोई रोक नहीं है जी। अनसीट हो जाएंगे तो दोबारा इलेक्शन इलेक्शन कमीशन जो है 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराते हैं, उसमें लड़ सकते हैं जी। जी ये थे जगत सिंह नेगी, इनका कहना है कि जिस तरीके से दल बदल कानून के तहत अब जो फैसला आना है खासकर प्रोलोभन या फिर अन्य दबाव के कारण ही इन्होंने इस्तीफा दिया। हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।